नमस्ते दोस्तों आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गोवा गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है क्या आप कभी गए हैं गोवा घूमने नहीं ना तो चलिए यहाँ बैठे बैठे ही गोवा की सैर करके आते हैं गोवा भारत का एक छोटा सा राज्य है गोवा में उत्तरी गोवा व दक्षिणी गोवा नाम से दो ज़िले हैं जिनमें कोंकड़ी व मराठी भाषाएं बोली जाती हैं मर्मगांव व मड़गाँ मर गोवा के प्रमुख शहर हैं गोवा में थोड़ी थोड़ी दूर पर गांव बसे हुए हैं घरों को बनाने में लकड़ी बांस व नारियल की पत्तियों को काम में लिया जाता है गोवा की राजधानी पड़जी है गोवा में जहाँ देखो समुद्र ही दिखाई देता है समुद्र में जहाज़ नाव और इंजन से चलने वाली मोटर बोट दिखाई देती है समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठती हैं यहाँ अधिकतर लोग मछली पकड़ते हैं एवं चावल काली मिर्च मसाले नारियल आम काजू व केलों की खेती भी करते हैं यहाँ नारियल बहुत होता है नारियल के रेसों से रस्सी टोकरी चटाई और झाड़ू बनाते हैं महिलाएं समुद्र के किनारे मछलियों की छटाई करती हैं उसके बाद मछलियों को बाज़ार में बेचा जाता है यह वहाँ का प्रमुख धंधा है कुछ लोग मछलियों को सुखाकर उनका तेल भी निकालते हैं जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है गोवा का मौसम बहुत अच्छा होता है वहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी दिन में उमस होती है और रात में मौसम ठंडा हो जाता है वहाँ बरसात भी अधिक होती है गोवा के समुद्री तट पर एक अनोखी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है यह वनस्पति समुद्र के खारे पानी में ही पनपती है इसे मैंग्रोव कहते हैं इनकी मज़ेदार बात यह है कि इनकी जड़ें नुकीली और दलदल से ऊपर की ओर निकली होती है मैंग्रोव के फल जिस समय पेड़ पर लगे रहते हैं उनमें तभी अंकुरण फूट जाता है जब इस अंकुरित फल में से जड़ें निकल आती हैं तब ये टूटकर नीचे दलदली ज़मीन पर गिर जाते हैं और वहीं उग जाते हैं गोवा में बहुत से देसी और विदेशी लोग घूमने आते हैं जो समुद्री किनारा जिसे बीच कहते हैं उसका आनंद उठाते हैं यहाँ का समुद्री तट काफ़ी लंबा और रेतीला है आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा समुद्री बीच क्या है समुद्र का वह किनारा जो कम ढाल वाला होता है तथा जहाँ समुद्र की लहरें कम ऊंची उठती हैं उस जगह को बीच कहते हैं वहाँ हमेशा लोगों की बहुत चहल पहल रहती है लोग समुद्र में नहाते हैं तथा किनारों पर खेलते हैं कॉलिंग गुड यहाँ का प्रसिद्ध बीच है जहाँ काफ़ी रौनक होती है यहाँ ईसाई लोगों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े गिरजाघर हैं क्रिसमस का त्यौहार यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है गोवा के अधिकतर लोगों का जीवन यापन वहाँ पर बाहर से आने वाले देसी और विदेशी लोगों पर निर्भर है तो बताइए कैसी लगी आपको गोवा की सैर अब आप इस सैर का मज़ा उठाइए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में बाय बाय